पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं घर पर ही अपने कंप्यूटर से। तो दोस्तों, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना बहुत ही आसान काम है, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। इसे हम आसानी से 5-10 मिनट में अपने घर पर ही बूटेबल बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेन ड्राइव को बूटेबल क्यों बनाया जाता है, बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमें बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत हमें अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने के लिए पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जिस विंडो के जिस भी वर्जन का पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है, उसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना है जिससे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ भी आपको वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की ओर, जिसमें बताया गया है कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हेल्प की दुनिया चैनल को और नए वीडियो के लिए दबाए घंटी को। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना कोई कठिन काम नहीं है, इसे हम बड़ी आसानी से ही घर पर ही अपने कंप्यूटर से बूटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर का नाम जान लेते हैं जिससे हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो उस सॉफ्टवेयर की मैं फाइल को खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर की फाइल को मैंने खोल रखा है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है बिंटू बूटेक। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम बिंटू बूटेक है। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और अगर आप चाहें तो इसे कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ओपन होके आ गया है। इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे प्लग इन यूएसबी फ्लैश हार्ड ड्राइव डिस्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे शो होने लगती है। और यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं ड्रॉप सोर्स और क्लिक लिखा हुआ है। यहाँ पर जब हम जिस विंडो को इंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उस विंडो की फाइल शो होने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव जिस भी विंडो वर्जन का बनाना है, विंडो 8, विंडो 9 या विंडो 10, जो भी हो, विंडो 7, तो सबसे पहले आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। तो चलिए मैं अपने 4GB पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेता हूँ बूटेबल बनाने के लिए, क्योंकि विंडो 4GB पेन ड्राइव में बड़ी ही आसानी से बन जाती है इसके साइज़ के हिसाब से। तो देखिए, मैंने अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव का नाम भी लिख के आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे टिक करके क्विक फॉर्मेट पे डू इट और ओके, फिर से ओके कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट होने लगी है। ये बस कुछ ही समय में हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, जिसके बाद हम इसे बूटेबल बना सकते हैं। तो चलिए इसे फॉर्मेट होने दें। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है। यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव फॉर्मेटेड और नीचे बूट लोडर भी फ्लैश हो चुका है। तो हमें यहाँ पे थैंक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ आप राइट साइड में आना है। यहाँ पे आप जहाँ देख रहे हैं ड्रॉप सोर्स और क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें अपनी विंडो की फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसी फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देख रहे हैं, ये विंडो की फाइल पहले से ही सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ कंप्यूटर पर क्लिक करना है। कंप्यूटर पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर के सारे पार्टीशन इस तरह खुल के आ जाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव सबसे नीचे आप देखेंगे, देखिए मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रिमूवल डिस्क एच लिखा हुआ है, ये हमारी पेन ड्राइव शो कर रही है। तो हमारे जिस भी पार्टीशन में हमने विंडो सेव की है, विंडो की फाइल को सेव किया है, उस पार्टीशन को हमें ओपन कर लेना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे किया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और जहाँ भी मेरी फाइल सेव है ये विंडो की, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैं वहाँ जाके उस फाइल को ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो 7 अल्टीमेट। मैंने विंडो 7 अल्टीमेट इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे सेव किया है। मैं इसी को अपनी पेन ड्राइव में लोड करूँगा। तो चलिए, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे ओपन देख रहे हैं आप, यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाइल सभी आ चुकी हैं और यहाँ आप देख रहे हैं फाइल नेम में जो भी लिखा है,
इसे आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे पहले से ही लिखा है कि फॉर फोल्डर सिलेक्शन डोंट चेंज दिस, तो यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली बस आपको यहाँ पे भी ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फाइल का नेम आने लगा है और उसका साइज भी आने लगा है। तो अब सिंपली हमें यहाँ पे ये सब करके डू इट पर फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आपको क्विक फॉर्मेट पर फिर से क्लिक करना है, क्योंकि हमारी पेन ड्राइव फिर से फॉर्मेट हो जाए। अगर फिर से फॉर्मेट होती है तो हमें कुछ नुकसान तो है ही नहीं। तो चलिए हम फिर इसे क्विक फॉर्मेट पर क्लिक करके फिर से डू इट पर क्लिक कर देते हैं। और डू इट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें आर यू श्योर लिखा हुआ है, इसे हमें ओके कर देना है। यहाँ पे कन्फर्मेशन पे भी क्लिक कर देना है ओके पर ही। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख रहे हैं हमारी पेन ड्राइव फिर से फॉर्मेट होने लगी है, और फॉर्मेट होने के बाद ये अपने आप ही बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे हम फॉर्मेट होने देते हैं, देखिए अभी ये फॉर्मेट हो जाएगी और फॉर्मेट होने के बाद बूटेबल बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव फॉर्मेट फिर से हो चुकी है और बूट लोडर भी फ्लैश हो चुका है और राइट फाइल्स भी, मतलब बूटेबल बनना भी चालू हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये राइट फाइल यहाँ से 100% तक चलेगी तो उसमें थोड़ा 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके फिर से रिज्यूम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को देखिए फिर से रिज्यूम किया और यहाँ पे 99% और ये 100% भी फ्लैशिंग हो चुकी है और कंटेंट भी राइटिंग हो चुका है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, कंटेंट राइटिंग 00 लिखा हुआ है। तो हमने अपनी पेन ड्राइव को सफलतापूर्वक बूटेबल बना लिया है। तो यहाँ पे हमें सिंपली थैंक्स पर क्लिक कर देना है। थैंक्स पर क्लिक करेंगे हम, चलिए थैंक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे सॉफ्टवेयर को। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी खासियत यही है कि हमें इसे इंस्टॉल नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे हम तो ये सीधा ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।